Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 1st January 2022. First of all, wishing you everyone a very happy new year. I hope this year will bring lot of happiness in your life. जो भी आपके desires हैं, जो भी आपके target हैं, आप उसे achieve कर पाएं and एक resolution ज़रूर बनाएं and not only resolution बनाएं and उसे पूरा 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 अपने dedication के साथ उसे achieve करने की भी कोशिश करें. सो विद दिस नोट शुरुआत करते हैं आज हम इस न्यू ईयर को विद करंट अफेयर्स. सो सबसे पहले रोज़ की तरह ये आपके लिए पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना, इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज हो रहे हैं. सो पांच क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. पहले कोशिश करो आप आंसर इनके खुद बता पाएँ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लोन वुल्फ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द रेस्क्यू ऑफ शेख हसीना. सेकेंड क्वेश्चन है, पेटर फैला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. किस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये बताइए. कौन सी इंडियन स्टेट ने हैज़ अप्रूव्ड, विच इंडियन स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू क्रिएट साइबर तहसील्स इन द स्टेट. COVID-19 का कौन सा वेरियंट है जो अभी राइट नाउ जो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट केसेस के पाए गए थे एंड राइट नाउ एक वेरियंट ऑफ कंसर्न बन चुका है. इंडिया में भी इसके केसेस देखेंगे, आपको बताना है कि इसका नाम क्या है. एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के साथ एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी दोस्ती, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, दो और कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया. एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती, आप बताएंगे दो कंट्रीज का नाम. सो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स, इनके आंसर्स आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू मैक्सिको. इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू मैक्सिको किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पंकज कुमार. पंकज कुमार को अपॉइंट किया गया है इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू मैक्सिको. ओके, याद रखें मनप्रीत वोरा थे एंड उनको रिप्लेस करेंगे ये पंकज कुमार. अभी रिसेंटली आपको याद होगा प्रदीप कुमार रावत की अगर बात करें तो प्रदीप कुमार रावत को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना. विक्रम मिश्री को इन्होंने लाइक रिप्लेस किया. वैन विक्रम मिश्री की बात करूँ तो उन्हें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया. सिक्योरिटी एडवाइज़र तो आप लोग जानते हो अजीत डोवाल. पवन कपूर की अगर मैं बात करूँ तो पवन कपूर हैं इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया. अभी कुछ टाइम पहले बी वेंकटेश वर्मा को उन्होंने रिप्लेस किया था. पवन कपूर इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया, ये आप याद रखें. प्रीवियसली जो भी हैं वो तो थे, उनको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब जो है प्रेजेंटली वो आप याद रखें. एंड संजीव कुमार श्रृंगला ये इंडियाज एम्बेसडर टू इसराइल हैं. तो ये डिटेल सारी याद रखें. मैक्सिको, मैक्सिको सिटी इज़ द कैपिटल एंड मैक्सिकन पेसो इज़ द करेंसी ऑफ मैक्सिको. तो ये इतनी चीज़ें आपने याद रखनी. हाँ, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके लिए स्पेशल ई बुक लॉन्च कर दी गई है एंड इस स्पेशल ई बुक में आपको मिलेंगे पूरे साल भर के करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 के, यानी कि पूरे 12 महीने के करंट अफेयर. देखो जनरली हमारा ई बुक 6 मंथ का रहता था, बट ये स्पेशल ई बुक है आप लोगों की डिमांड पे. जेके बी एस आई एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम, जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, ये ई बुक आपको साल भर के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेगा. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर इसे देखें, जरूर इसे परचेज करें. सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी इंडियन स्टेट का बेनिफिशियल रहने वाला है. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें, ये एक न्यू ईयर गिफ्ट है फ्रॉम अवर साइड. हम इसमें पूरे साल भर के करंट अफेयर्स मैंने इंक्लूड किए, ये आप देख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. ऑन विच डे DRDO डे इज सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है. तो आज है 1st जनवरी, तो आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं DRDO डे, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे. एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 1958 में. ओके, 1st जनवरी 1958 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. प्रेसिडेंट है जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर्स हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में. फाउंडेशन डे मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स 1958. ओके, लेट मी करेक्ट, 1958. एंड उसके बाद आपका इसका मोटो भी आप याद रखें, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, याद रखें. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स, तो ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है. सो इसे लॉन्च किया गया, सुमंत कथपालिया इसके MD एंड CEO हैं एंड इंडसइंड बैंक इज द करेक्ट आंसर. अब नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स. देखो आप जनरली FD करवाते हो, आपका FD आप कितने, एक साल का कराते हो, दो साल का कराते हो. नाउ इन दिस ग्रीन फिक्स डिपॉजिट आप जो भी डिपॉजिट करवाओगे वो यूज़ किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए. ओके, देखो अब
ग्रीन डेवलपमेंट के लिए उसका आपका पैसा यूज किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा आपको वापस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो भी टर्म डिपॉजिट होते हैं जो आप करवाते हो फिक्स रहते हैं फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड हाँ देखो, इसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा, जो भी बेसिकली अगर सीनियर सिटीजन है उनको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल FDIs एंड डिपॉजिट्स, आपको इसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा प्रोवाइड करेगा इंदरसंत बैंक। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स किस बैंक द्वारा, इंदरसंत बैंक, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी रीगेंड वाडा एक्रीडेशन। 2019 में वाडा का एक्रीडेशन जो भी इसके नॉर्म्स थे उसको उसके अकॉर्डेंस इससे छीन लिया गया था, तो नाडा की बात करें जो हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाउ इसे एक्रीडेशन फिर से इसने रीगेन किया है। अभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आया था कि अगर डोप वायलेटर्स की अगर हम बात करें तो रशिया नंबर वन पे है, इंडिया थर्ड नंबर पे है, वो अपने याद रखना है। एंड इसमें आपसे ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि वाडा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, नाडा के तो आपको पता रहना ही चाहिए, हमारे इंडिया के ऑफकोर्स नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, नवीन अग्रवाल इसके हेड हैं। एंड यहाँ वाडा का पूछ रहा है तो वाडा के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, ये कैनेडा में है। ओके ये आप याद रखें, एंड फाउंडर भी आप याद रखें डिक पाउंड, एंड इसके जो राइट नाउ प्रेजेंट है क्रैग रेडी, ये आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, कहीं ना कहीं ज़रूर आपसे पूछे जाने वाला है इनके प्रेजेंट या इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो प्रेजेंट का नाम भी अभी राइट नाउ याद रखें क्रैग रेडी। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखो ब्रिक्स का ही एक पार्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी ब्रिक्स ही है। ब्रिक्स में आप लोग जानते हो कंट्रीज जो हैं, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेट में ज्वाइन हुआ था। एंड अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी न्यूएस्ट मेंबर, देखो इसमें ब्रिक्स नेशन तो हैं ही हैं एंड इसमें कुछ और कंट्रीज भी इंट्रोड्यूस हुई थी लाइक जिन्होंने ज्वाइन किया था, एंड अभी रिसेंटली जो ज्वाइन किया है वो इजिप्ट ने ज्वाइन किया, एंड ये इजिप्ट फोर्थ कंट्री बना है ज्वाइन करने वाला। अब इससे पहले जो तीन कंट्रीज कौन कौन सी थी, बांग्लादेश इसमें एडमिट हो चुका है, यूएई एंड उरुग्वे। ओके ये आप याद रखें, सितंबर मंथ में हुआ था एंड नाउ इसमें इजिप्ट ज्वाइन हुआ है। अगर मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो ये आपको शंघाई में मिलेंगे चाइना में, एंड ब्रिक्स के भी हेडक्वार्टर्स भी आपको चाइना में ही मिलेंगे। ओके बाकी इसमें प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, जो प्रेसिडेंट हैं इस टाइम न्यू डेवलपमेंट बैंक के, वो मार्कस प्रेडो थ्रेजो, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, रॉस टेलर अनाउंस हिज रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इन्होंने, एंड ही हैज़ बीन ए लीडिंग रन स्कोरर इन टेस्ट एंड इन ओडीआई फॉर विच नेशन। तो किस नेशन के लिए खेलते थे, ये खेलते थे न्यूजीलैंड। इनके साथ साथ आपको आपको याद होगा या आपको पता, वैसे याद किया होगा, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, क्विंटन डी कॉक आप लोग जानते हो विकेट कीपर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उन्होंने भी अपनी टेस्ट क्रिकेट से अनाउंसमेंट की है रिटायरमेंट ओनली फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ओके तो ये इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस किया, एंड क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से अनाउंस किया, साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे वो भी आ जाएगा, डोंट नीड टू वरी। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन टू विन ए टेस्ट मैच एट सेंचुरियन। साउथ अफ्रीका में ये फर्स्ट नेशन बन चुका है हमारा इंडिया, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे हरा के एक हिस्ट्री क्रिएट किया, एंड ये फर्स्ट एशियन नेशन बना है, पहला एशियन नेशन साउथ अफ्रीका में, ये सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका को उन्हीं की ज़मीन पे उन्हीं को मात दी, तो हमने हमारी इंडिया ने। ओके आपने ज़रूर मैच देखा होगा। विच इंडियन स्टेट हैज़ अनवील्ड ए न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021। तो वुमेन पॉलिसी फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक की पॉलिसी, बेसिक ऑब्जेक्टिव टू एम्पावर वुमेन इन वेरियस फील्ड्स, 5 साल तक के लिए पॉलिसी चलाई जाएगी, तो इसे अनवील्ड किया गया तमिलनाडु सरकार द्वारा। उसके बाद है जी, पाकिस्तान हैज सेट अप फर्स्ट एवर बॉडी टू टेक केयर ऑफ हिंदू टेम्पल्स। पाकिस्तान में एक लाइक प्रॉपर एक फर्स्ट एवर बॉडी बनाएगी, एक टीम बनाएगी, एक कमेटी बनाएगी जो लुक आफ्टर करेगी जो भी इस तरीके के इंसिडेंट्स आप लोग देखते हो हिंदू टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करने का, अभी कुछ टाइम पहले भी आपने ज़रूर न्यूज़ में सुना होगा, तो इस चीज़ इस तरीके के मुद्दे ना हो, इट्स अ गुड गेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो एक सेपरेट बॉडी बनाएगा जो पर्टिकुलरली इस चीज़ को देख रेख करेगा, तो अनाउंस किया गया बाद मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ITBP चीफ संजय अरोरा गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ SSB डायरेक्टर जनरल। तो ITBP के जो चीफ हैं संजय अरोरा, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया सीमा सुरक्षा बल का, बिकॉज राजेश कुमार चंद्रा,
ये रिटायर हो चुके हैं कल के दिन, एंड अब एडिशनल चार्ज दिया गया आईटीबीपी के चीफ संजय अरोरा को, ये आप याद रखें। सो डैट्स ऑल फॉर दिस डे, एंड नाउ अब जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे उनके आंसर में शेयर कर लेता हूँ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लोन वुल्फ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रेस्क्यू ऑफ शेख हसीना? नेहा द्विवेदी इस बुक की ऑथर हैं, याद रखना आपने। पैटर फैला ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? शेज रिपब्लिक के। मध्य प्रदेश ने प्रपोज किया है टू क्रिएट साइबर तहसील इन द स्टेट। ओमिक्रॉन की मैं बात कर रहा था, जो न्यू वेरियंट COVID-19 का है, जो भी कंसर्न भी बना है। एंड ट्राइलेटरल एक्सेस दोस्ती विद इंडिया ये हुई है बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो आफ्टर दिस, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल? तो ये आपने बताना है वर्ल्ड का फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, दिस इज द क्वेश्चन। सो गाइज डैट्स ऑल फॉर दिस डे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। बाकी आपको आज फर्स्ट डे है, आज देखो सारी चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी ज़रूरी है, एंड बाकी इन्जॉय तो आप लोग कर ही रहे हो फर्स्ट ईयर को, फर्स्ट डे को। बाकी मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, एंड अगेन विशिंग यू एवरी वन ए हैप्पी न्यू ईयर। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं आप हार्डवर्क करेंगे तो फॉर श्योर आप अचीव कर पाएंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड एन्जॉय द डे।